जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, हनुमान जी एक जागृत देवता, ऐसी शक्ति है जो आपके कैसे भी कष्ट हों, सभी कष्टों को हरने की ताकत रखते हैं। कहते हैं कि यदि नींद में आपका बच्चा डर जाता है या आप डर जाते हैं, चमक जाते हैं, या घर में हमेशा ऐसा कुछ लगता है कि कोई अदृश्य कुछ है आपके घर में, कभी आपको ऐसा लगता है, हम देखना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि न जाने किसकी नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया है हमारे परिवार को। यदि इसके कारण कमाई में कमी हो गई है, या नौकरी छूट गई है, जॉब छूट गया, और कोई परेशानी चल रही है, घर में तनाव चल रहा है, कलह चल रही है, वह व्यक्ति ही जान सकता है जो ये सब समस्याओं से घिरा होता है कि कितनी परेशानियाँ। ऐसा लगता है उस समय जीवन बिल्कुल हताशा भरा कि कब इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, लेकिन जीते जी हम ये भी नहीं कर सकते कि इन सबको इग्नोर कर पाए और अंदर के अंदर सिर्फ एक तनाव, एक और घर की महिलाएं अक्सर इसी तनाव में रहती हैं। यदि बिजनेस में कमाई नहीं हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो उसका टेंशन जितना जेंट्स रखते हैं, जितना पुरुष को होता है, उससे ज़्यादा कहीं महिलाएं इस टेंशन को लेती हैं, इस तनाव को जीती हैं। यदि घर में कोई आपस में परिवार में कोई तनाव चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, ये तनाव भी, ये टेंशन भी महिलाएं ही जीती हैं। यदि धन में आने में कमी हो गई हो, रुकावट चल रही है, नौकरी छूट गई, जॉब छूट गई है, ये सारी समस्याएं महिलाएं ही दिन भर का अपना कार्य करने के बाद भी इस तनाव से बरी नहीं हो पाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वह धीरे धीरे अवसाद की स्थिति में बीमार रहने लगती हैं। कई बार परिवार में ऐसा माहौल बन जाता है कि हर व्यक्ति अपने आप में तनाव से घिरा हुआ होता है। लेकिन आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, एक छोटा सा मंत्र है, इसे आप यदि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ यदि कर लेते हैं, आप मानकर चलिए, उस तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी, उस परेशानी से, उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आप पूरा शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और जो उपाय बताया गया है उसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें ये नहीं पता, ये बता दीजिए। समय अभाव के कारण मैं नहीं आपको रिप्लाई कर पाती हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपका हो सकता है कोई बात रह जाती हो, लेकिन वैसे पूरा वीडियो में मैं पूरी जानकारी बहुत ही डिटेल्स में बहुत अच्छे से समझाती हूँ। कहीं यदि कुछ जानकारी देने से रह जाती हूँ तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए, यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आए फिर से एक बार रिपीट करके देखें, हो सकता है कि आपका जवाब उसी वीडियो में हो। दोस्तों, आपको करना यह है कि आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो ये उपाय करते हैं आप शाम के समय करेंगे तो इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलता है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो शाम के समय करने पर ही फलीभूत होते हैं। आप मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन, कोई भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आप रेशमी धागा, आप ढाई बीता, अपने जो हथेली है उसे ढाई बीता नाप लीजिए और ले लीजिए, उसको रेशमी होना चाहिए धागा, जो आप गले में पहन सके या हाथ में धारण कर सके, बाजू पे आपको भी इस तरीके से धागा लेना है। और उसे यदि आपके घर में भगवान हनुमान जी की, बजरंगबली की कोई फोटो है उनके समक्ष, या नहीं भी है तो आप उनका ध्यान कर बैठ सकते हैं। यदि थोड़ी सी कंडी आप जला लीजिए और उसमें यदि आपके पास केवड़े की अगरबत्ती, जो गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती होती है, एक अगरबत्ती तोड़कर डाल लीजिए। आपका ये जो धुआं उठेगा, आपको वास्ते इतने ऐसी करना है कि उससे थोड़ा हल्का हल्का धुआं उठने लगे, उसमें जब आप अगरबत्ती डालेंगे तो एक खुशबू सी शुरू हो जाएगी आना और धुआं अच्छे तरीके से। अब आपको करना ये है, आप उस काले धागे को अपने दाहिने हाथ में रख लें और सबसे पहले
आप एक दीप प्रज्वलित करें, दीप सरसों के तेल का लगा सकते हैं आप। जब भी कोई बजरंगबली संबंधित पूजन करते हैं आप, तो सरसों का तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक ज़्यादा अच्छा होता है। हमेशा ध्यान रखें कि आप तेल का ही दीपक लगाएं। तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और बिल्कुल जरा सा तेल डालना है, जितना आप यह मैं जो उपाय बता रही हूँ उतनी समय में आपका उपाय पूरा हो और वो दीप ज़्यादा देर तक नहीं प्रज्वलित रहे, हो जाए अपने आप, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको करना ये है, मैं एक मंत्र बताने जा रही हूँ, उस मंत्र को आपको 54 बार बोलना है। जैसे आपने मुट्ठी में धागा ले लिया, धागा बांध लिया, मुट्ठी अच्छे से बांध ली, आपको लेना है रेशमी काला रंग का धागा, उस धागे को मुट्ठी में बांधकर 54 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। इसमें कोशिश कीजिए आप इसको अच्छे से पेज पर उतार लीजिए, उसमें उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अपने आप में सिद्ध है। लेकिन जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अभिमंत्रित हो जाता है। वैसे भी ये अपने आप में ही सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे ज़्यादा प्रबल शक्तिशाली बनाना है। आप चाहते हैं कि आपके हर कार्य सिद्ध होने लगे, तो आप में जो उपाय बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको ये उपाय करना होगा। आप मुट्ठी में बांध लें, उसे देखते हुए आपको जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ इसका उच्चारण करना है। आपने एक बार मंत्र का पूरा उच्चारण किया, उसके बाद उस मुट्ठी में मुट्ठी बंद में ही आपको एक बार फूंक मारनी है। फिर दूसरी बार मंत्र का उच्चारण किया तो आपने दूसरी बार फूंक मारनी है बंद मुट्ठी में ही। आप इस तरीके से 54 बार मंत्र बोलेंगे और 54 बार आपको हथेली पर बंद हथेली में मुट्ठी में फूंक मारनी है। आप इसके लिए एक बहुत अच्छा मैं एक तरीका बताती हूँ कि आप कोई भी पुष्प गिन के रख लें, चावल के दाने गिन के रख लें, अक्षत के दाने गिन के रख लें, 54 दाने, जिससे आपकी गलती नहीं होगी। और उच्चारण का विशेष ध्यान रखें, आप एक कागज पर इस मंत्र को उतार लें, उसे करने से पहले मन ही मन एक दो बार पढ़ कर देखें, और जब करें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आप चाहें तो दिन भर में कभी भी आपको टाइम हो, बस थोड़ा सा स्वच्छता का ध्यान रखना है। आप यदि महिला हैं तो मासिक धर्म में बिल्कुल ना करें, 7 दिन तक तो कम से कम बिल्कुल नहीं। और आपको यदि दिन भर में कभी भी करना चाह रहे हैं जब करें, आप हाथ पैर धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, बस इतना ध्यान रखना है। आप स्वच्छ होंगे तभी आपको ये कार्य करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुने, और इसी मंत्र को मैं स्क्रीन पर डाल भी दूंगी, आप उस समय उसे ध्यान से देखकर और एक कागज पर उतार लें, उसमें से पढ़कर बोलेंगे तो आपके उच्चारण में कोई गलती नहीं होगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु ने तल किलू तलबाई किलू किलू लोह का खिला मूर्ख किलू मशान किलू किलू बामन माला मुंज की जेवड़ी वज्र का कड़ा मेरी पीठ पर हनुमंत खड़ा शब्द साचा चलो मंत्र ईश्वरो पाचा। आप इस मंत्र को मैं स्क्रीन पर डाल दे रही हूँ, आप ध्यान से देखें, एक कागज पर उतार लें और मन ही मन इसे यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो 4-5 बार पढ़ लें, उसके बाद ही आप ये उपाय करने बैठें, क्योंकि इस मंत्र के उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको 54 टाइम्स करना है, उसके बाद आप मुट्ठी खोलकर जो आपने कंडी लगाई हुई है उसमें अगरबत्ती का धुआं करा हुआ है उस पर आप 11 बार उतार लें, यानी आपको क्लॉकवाइज घुमाना है उसके ऊपर, यानी धुआं आपको धागे में आना चाहिए। उसके बाद आपके परिवार में जिस भी मेंबर को आपको लगता है कि यदि आपके बच्चे सपने में डरते हैं तो उनके गले में डाल दीजिए, यदि कोई बिजनेस में कोई परेशानी चल रही है तो बिजनेस की जगह पर आप बांध सकते हैं, गले पे बांध सकते हैं, जो गल्ला रखने का जो पैसा रखने का स्थान होता है वहाँ आप बांध के रख सकते हैं। यदि घर में कोई तनाव चल रहा है तो मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ही ज़्यादा कठिन बीमारी हो गई है, असाध्य रोग हो गया है, तो उसको आप यदि चाहें तो बाजू में और चाहें तो गले में। आप किसी व्यक्ति को भी बांध सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहा हो, परेशानी में है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। यदि
किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो आप उसके गले में अपनी मन की इच्छा कर और बांध दीजिए। अब देखना कितनी जल्दी ये कार्य आपका होगा, कर देखें। बहुत ही छोटा सा उपाय है, थोड़ा कठिन अवश्य है, बस यहाँ इतनी कठिनता है कि इस मंत्र के उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात का यदि आप ध्यान रखते हैं, आपको संस्कृत आती है, तो आप यह कार्य बिल्कुल कर सकते हैं। कर देखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, आपका जो भी कार्य है, और इसको करके यदि आप अपने मेन गेट पर, मुख्य दरवाजे पर बांधते हैं, तो मान कर चलिए कि आपके घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं आ सकती। क्योंकि कारण यह है, हनुमान जी को का सिद्ध मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र को जहां भी रख ले, आप समझ लीजिए कि हनुमान जी स्वयं वहां निवास करने लग गए। फिर वहां कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई संकट, कोई अदृश्य शक्तियां वास नहीं कर सकती। कर देखें। ओम नमः शिवाय।